हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर। देवली वॉज बोर्न इन टू इंटर जनरेशनल डेब्ट एंड बोर्न लेबर इन इंडिया। जो देवली द गर्ल के बारे में की बात बता रहे हैं कि वो उसका जन्म एक ऐसी इंटर जनरेशनल का मतलब होता है कि जनरेशन ओवर वन ओवर मोर देन वन जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब कि पहली ही उसकी जो पीढ़ियां थी उन्होंने कोई कर्ज लिया हुआ था, वो ऐसी ही ऐसी मतलब परिवार में उसका जन्म हुआ। एंड बोर्न लेबर इन इंडिया, और वो मतलब कि मजबूर थी कि उसे इंडिया में लेबर मतलब लेबर ही करनी पड़ेगी अभी आगे भी। सिटिंग इन माय कार इमीडिएटली आफ्टर हर रेस्क्यू द 8 ईयर ओल्ड गर्ल आस्क व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर। मतलब मेरी कार में बैठी हुई इमीडिएटली आफ्टर हर रेस्क्यू, जब मतलब कि 8 साल की उस लड़की को जब मतलब कि मैंने बचाया, मेरी कार में वो बैठी थी, तभी उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, उसका गुस्से भरा हुआ जो जवाब है वो मुझे अभी भी हिला देता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द वर्ल्ड, और उसी संसार को भी हिलाना है। हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, उसका जो ये क्वेश्चन है वो हम सबके लिए है। वाई डिड वी नॉट कम अर्लियर, हम पहले क्यों नहीं आए। Why are we waiting for? हम किसके लिए वेट कर रहे थे। How many more devils will be allowed to go without rescue? हमें कितनी ऐसी मतलब कि लड़कियों को हमें कितनी ऐसे एलो करना होगा जिनको बिना बचाव के उनको ऐसे काम करते जाना पड़ेगा। How many more girls will be abducted? Abducted means होता है अपहरण करना, और confined मतलब उनको छोटा समझे जाना, and abused मतलब कि उनके लिए गलत लैंग्वेज यूज करना, ऐसा कब तक चलेगा। Children like Devli across the world are questioning our inaction and watching our actions. उस मतलब कि जो बच्चे हैं Devli के जैसे जो बच्चे हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन अवर इनएक्शन। इनएक्शन का मतलब होता है कि जो काम हम किए ही नहीं जा रहे, मतलब कि उदासीनता। एंड वॉचिंग अवर एक्शंस, और वो काम जो हम कर रहे हैं उनको वो देख रहे हैं। जिन काम के प्रति हम पैसिव है वो उनको भी देख रहे हैं, और जो काम हम कर रहे हैं वो उनको भी देख रहे हैं। वी नीड कोलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, और जिसके लिए अर्जेंसी मतलब कि बहुत ज़्यादा जरूरत है। Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. हर एक एक मिनट हमारे लिए मैटर करता है, हर एक बच्चा हमारे लिए मैटर करता है, और every single childhood, हर एक बच्चे का बचपन जो है वो हमारे लिए मैटर करता है। I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. वो अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ जो ये उदासीनता है और जो मतलब निराशावादी जो विचार हैं जो हमारे बच्चों के अंदर चारों तरफ फैले हुए हैं। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मीनिंग होता है कि तटस्थता। मैं इसको अपने इस कल्चर को चैलेंज करता हूँ जो चुपचाप बैठे सब कुछ देखते रहते हैं, और कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब कि तटस्थ रहते हैं, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता कि क्या ये हो क्या रहा है, इसके लिए कोई आगे आके कोई मतलब एफर्ट्स नहीं कर रहे। I therefore call upon all the governments, intergovernmental agencies. कहते कि मैं इसके लिए इन सभी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की जो मतलब कि गवर्नमेंट की है और जो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज का मतलब होता है कि ओवर मोर देन वन जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चलते आ रहे हैं, ऐसे सरकार से, ऐसे जनरेशन एजेंसीज से, और बिजनेस जो चल रहे हैं, और फेथ लीडर्स जो सच्चे नेता हैं, एंड द सिविल सोसाइटी, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एंड ईच वन ऑफ अस, और हम सभी को, टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, भी हम सबको कदम उठाना चाहिए जो ये बच्चों के प्रति वॉयलेंस जो बढ़ता जा रहा है उन सब के लिए, मतलब हम सबको कदम उठाना चाहिए। वो अपनी स्पीच में इन सब मतलब कह रहे हैं कि मैं इन सब से कह रहा हूँ ये बात, इन सब को पुकार के कह रहा हूँ कि हम इन सब के प्रति जो बच्चों के प्रति जो वॉयलेंस हो रही है हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। स्लेवरी दास्ता ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि जैसे गलत तरीके से कोई बिजनेस चलाना, चाइल्ड मैरिजेस छोटे बच्चों की मैरिज कर देना, चाइल्ड लेबर छोटे बच्चों को लेबर करवाना, सेक्सुअल अब्यूज सेक्सुअली हरासमेंट देना, एंड इलिटरेसी हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, एक सिविलाइज सोसाइटी होनी चाहिए, और जो ये सब बुराइयाँ हैं हमारी सोसाइटी से वो सभी खत्म होनी चाहिए।
फ्रेंड्स वी कैन डू, फ्रेंड्स हम ये सब कर सकते हैं। वो अपनी स्पीच में मतलब कि जितने भी ऑडियंस वहाँ बैठी हुई है उन सबको मोटिवेट कर रहे हैं, उन सबको कह रहे हैं कि फ्रेंड्स हम ये सब कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। जो मतलब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बच्चों की ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज हो, बच्चों के फेवर में हो, और एंड उन्हें गवर्नमेंट को एजुकेशन में और यंग पीपल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब आलतू फालतू जगह इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बच्चों की और यंग पीपल की प्रोग्रेस के लिए उन्हें एफर्ट्स करने चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जितने भी बिजनेस किए जा रहे हैं वो बड़े उत्तरदायित्व के साथ होने चाहिए एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। और इनोवेटिव मतलब नई नई तरीके से उनमें पार्टनरशिप्स में काम होना चाहिए। इंट्रो गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सलेट एक्शंस। एक्सलेट एक्शंस का मतलब होता है कि तेजी से बढ़ना। जो मतलब कि इंट्रो गवर्नमेंटल जो मतलब कि एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन की जो एजेंसीज आ रही है मतलब उनको भी इकट्ठे काम करना चाहिए और उनकी जो एक्शंस हैं वो तेजी से तेज गति से मतलब उनका काम होना चाहिए। ग्लोबल ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव बिजनेस एज यूजुअल एंड स्कैटर्ड एजेंडाज। जो मतलब कि पूरे संसार में सिविल सोसाइटी जो सभ्य सोसाइटीज हैं मस्ट राइज, उनको अपना बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और स्कैटर्ड एजेंडा, एजेंडास मतलब होता है एजेंडा का मतलब कार्य सूची, जो उनके कार्य है मतलब कि जो उनकी उनको उसको अलग अलग लोगों में बांट देना चाहिए। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद अवर चिल्ड्रन। जो मतलब कि जिन ऐसे नेता जिन पे विश्वास किया जा सकता है उनको और इंस्टीट्यूशंस को, सभी को हमारे इन बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। मतलब कि सभी को ऐसे बच्चों का साथ देना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें बहादुर होना चाहिए। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमारी इच्छाएं मतलब हमें इच्छावादी होना चाहिए। एंड मस्ट हैव द विल, और हमारी इच्छा होनी चाहिए। वी मस्ट, एम्बिशियस का मतलब ये होता है भी ऊंचे विचार रखना, अच्छी अच्छी इच्छाएं रखना। वी मस्ट कीप अवर प्रोमिसेस, और जो जो हम वायदे करते हैं हमें वो पूरे करने चाहिए। आवर 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting at the school gate, polishing shoes. अब वो अपना एक इंसिडेंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज से मतलब 50 साल पहले जब मेरे स्कूल का फर्स्ट डे था तो मुझे एक कोबलर, एक बच्चा मतलब कि जो कोबलर था, मोची जिसे हम कहते हैं, वो जो शूज ठीक करते हैं शूज और चप्पल्स वगैरह, वो जो मतलब मेरी ही एज का था और मेरे स्कूल के गेट पे बैठा था और पॉलिश शूज को पॉलिश कर रहा था। आई आस्क माई टीचर्स दिस क्वेश्चन वाई ही इज वर्किंग आउट। और मैं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता था कि वो बाहर काम क्यों कर रहा है। वाई इज ही नॉट कमिंग टू स्कूल विद मी, वो मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं आता। माई टीचर्स हैड नो आंसर, और मेरे टीचर्स के पास कोई आंसर नहीं होता था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉय फादर। एक दिन मैंने ही साहस किया और लड़के के पापा से पूछा। ही सेड सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। वो कहते कि सर मैं हम इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। वी आर जस्ट बोर्न टू वर्क, हम सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए हैं। दिस मेड मी एंग्री, इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, ये बात मुझे आज भी गुस्सा दिला देती है। आई चैलेंज इट देन एंड आई एम चैलेंजिंग इट टूडे। मैंने उस समय भी इस चीज को चैलेंज किया था और आज भी मैं इस समय इस चीज को चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं या आपको स्कूल जाने का कोई हक नहीं है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, जैसे मैं एक बच्चा था तो मेरे लिए आने वाले कल का एक मेरे लिए मतलब कि एक दृश्य था मेरी आंखों में भी, आने वाला कल कैसा होगा। दैट कोबलर बॉय वॉज स्टडिंग विद मी इन माई क्लासरूम, मैं ये सपना देखता था कि वो जो कोबलर बच्चा है, लड़का है, वो मेरे साथ ही मेरे क्लासरूम में बैठा है। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडो, और जो वो आने वाला कल था वो आज आज बन चुका है। एंड आई एम टुडे, और मैं आज हूँ। एंड यू आर टुडे, और तुम भी आज हो। मतलब कि वही टाइम जो है आगे आगे बढ़ गया है उसके बारे में। टुडे इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव द राइट टू लाइफ। आज के टाइम में हर बच्चे को हक है अपनी लाइफ में मतलब कि एजुकेशन लेने का, राइट टू फ्रीडम आजाद रहने का, राइट टू हेल्थ एंड द राइट टू एजुकेशन अपनी स्वस्थ उसका ध्यान स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, एजुकेशन का ध्यान रखने का। द राइट टू सेफ्टी, अपनी सेफ्टी का अधिकार रखने ध्यान रखने का अधिकार है। द राइट टू डिग्निटी, शान हासिल करने का अधिकार है। द राइट टू इक्वलिटी,
समानता का अधिकार है एंड द राइट टू पीस, और शांति का अधिकार है हर एक बच्चे को। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। आज मैं उस मतलब कि अंधेरे के अंदर भी एक हंसते हुए बच्चों के अपने बच्चों के फेसेस देख सकता हूँ, जैसे कि अंधेरे में स्टार्स चमचमाते हैं, ऐसे ही आज मतलब मैं उन बच्चों के खिलते हुए चेहरे देख सकता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने सोचा था कि हम कभी स्कूल नहीं जा सकते, उन बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टूडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी चिल्ड्रन प्लेइंग एंड डांसिंग। आज के टाइम में हर एक, चाहे कितना बड़ा समुंदर हो, उसकी हर एक लहर में, मतलब चाहे कितनी मर्जी मुसीबतें आ रही हो, उसमें भी मैं अपने बच्चों को, जो मतलब अपने देश के बच्चों को, खेलते हुए और नाचते हुए मुस्कुराते हुए देखता हूँ। टूडे इन एवरी प्लांट ट्री एंड माउंटेन आई सी द लिटिल कोबलर बॉय सिटिंग मी इन द क्लासरूम। आज मैं हर एक प्लांट में, ट्री में, माउंटेन में, सब में छोटे से कोबलर बॉय को देखता हूँ जो मेरे साथ मेरी क्लासरूम में बैठा। मतलब कहने का मतलब कि आज वो सोचता है कि जैसे मैंने उस टाइम एक बच्चे को देखा, आज मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ। आज मोस्टली बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने भी इतनी ज़्यादा मतलब कि फैसिलिटीज दे दी हैं बच्चों के लिए। स्कूल्स हैं, फ्री एजुकेशन है, मिड डे मील की जो पॉलिसीज चलाई गई हैं, उनकी वजह से अब हर एक बच्चा, मोस्टली बच्चे मतलब अब स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स भेज रहे हैं बच्चों को, मतलब कि अवेयर किया जा रहा है पेरेंट्स को। आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टूडे इन साइड यू। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सब चीज़ें हैं वो आप लोग भी महसूस करें। माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मे आई आस्क यू टू क्लोज योर आइज, सॉरी, कैन यू फील यू क्लोज योर सॉरी मे आई आस्क यू टू क्लोज योर आइज एंड पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट फॉर ए मोमेंट। मतलब जो वो अपनी स्पीच देते देते ऑडियंस को कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मैं आपको कुछ टाइम के लिए आंखें बंद करने के लिए और अपने हार्ट मतलब कि अपने हाथ को अपने दिल पे रखने के लिए कह सकता हूँ। जैसे ही वो कहते हैं, जितने भी ऑडियंस बैठे होते हैं वो सभी अपनी आइज बंद कर लेती हैं और अपना हैंड जो है वो अपने हार्ट पे रखती हैं। कैन यू फील द चाइल्ड इन साइड यू। अब वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने अंदर कोई बच्चा महसूस हो रहा है। नाउ लिसन टू दिस चाइल्ड, आई एम श्योर यू कैन। और अब इस बच्चे को सुनो, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सुन सकते हो। मतलब सभी एक्सपेरिमेंट करते हैं जब वो बोलते हैं। टूडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ द महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग्स एंड नेल्सन मंडेला मार्चिंग फॉरवर्ड एंड कॉलिंग ऑन अस। कहते कि मैं आज हजारों महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग्स और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को देखता हूँ जो आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। द बॉयज एंड द गर्ल्स हैव ज्वाइंड। आज के यंग जो बॉयज और गर्ल्स हैं उन्होंने भी मतलब कि अवेयरनेस की इस मिशन को ज्वाइन कर लिया है। आई हैव ज्वाइंड इन, और सभी उसमें ज्वाइन हो गए हैं। वी आस्क यू टू ज्वाइन, यू टू ज्वाइन, और हम आपको भी कह रहे हैं भी आप भी इसको ज्वाइन करो। मतलब सब लोगों को इसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। डेमोक्रेटाइज नॉलेज का मतलब आओ सबको ज्ञान बांटे, ठीक है। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, सारे संसार में न्याय हो। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपेशन, मतलब कि सारे संसार में दया की भावना हो। फॉर आवर चिल्ड्रन आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम। अपने बच्चों के लिए ही हमने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है। एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और सारे संसार से मतलब लोग आए हुए हैं, उनकी स्पीच सुनने के लिए आए हुए थे लोग कहीं कहीं से। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। मैं पुकार रहा हूँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें एजुकेशन के प्रति जो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे रोकना है। फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, गरीबी से उन्नति की तरह के रास्ते की तरफ लेके जाना है। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, और जो लोग मतलब कि दासता प्रथा को खत्म करके स्वतंत्रता दिलानी है। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और हमें अहिंसा से अपनी शांति के मार्ग की तरफ जाना है। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब वो सब लोगों कह रहे हैं कि आओ चलो अंधेरे से रोशनी की तरफ चलते हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टेलिटी टू डिवाइनिटी। डिवाइन मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि मतलब नश्वरता से जो है डिवाइनिटी की तरफ चलते हैं। लेट अस मार्च, वो आगे आगे बढ़ने के लिए बार बार लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं, और सभी लोग जो होते हैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टू टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।